पिछले वीडियो में आपने देखा किस तरह यहाँ पर बाइक चालान करने पर पुलिस चौकी में दरोगा और रिटायर फौजी आपस में भिड़े और एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिया। इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं अलग अलग स्टेटमेंट जो कि दरोगा जी ने दी है और फौजी रिटायर फौजी ने यहाँ पर दी है। इन दोनों को सुनकर आप बताएं किसकी गलती थी और किसे क्या करना चाहिए था, क्या ये उचित था। तो चलिए एक बार बता देते हैं पूरा मैटर क्या था, उसके बाद हम वो वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे जिसमें अलग अलग बयान सामने आए हैं दरोगा का और यहाँ पर हमारे रिटायर फौजी भाई का। तो मऊ में शहर कोतावली क्षेत्र के सारू पुलिस चौकी पर गुरुवार की शाम चौकी पर भारी सब इंस्पेक्टर दलसिंगार सिंह और सेना के रिटायर फौजी के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पहले दरोगा ने फौजी को थप्पड़ जड़ा तो फौजी ने भी दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे को कई थप्पड़ जड़ दिए। मामले की जानकारी अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दरोगा के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। सूबेदार मेजर के पद से रिटायर फौजी भीमराव का बेटा राहुल गुरुवार की दोपहर अपनी माँ के साथ अली बिल्डिंग में करवा चौथ की खरीदारी के लिए गया था और बाइक खड़ी कर माँ बेटे एक दुकान से यहाँ पर सामान खरीद रहे थे और उसी दौरान पहुंचे सारू पुलिस चौकी प्रभारी दल सिंगार सिंह ने बाइक को सीज कर चौकी पहुंचा दिया। राहुल माँ के साथ लौटा तो पता चला कि बाइक पुलिस वाले उठा ले गए हैं। वह तुरंत पुलिस चौकी पहुंचा। आरोप है कि यहाँ दरोगा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। बाइक सीज होने और बेटे से दुर्व्यवहार की जानकारी मिलने पर पिता भीमराव भी यहाँ पर चौकी पहुंच गए। फौजी ने दरोगा से गाड़ी छोड़ने को कहा तो कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बात काफ़ी आगे बढ़ गई। गर्मागर्मी के बीच चौकी प्रभारी ने फौजी को थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ पड़ते ही फौजी ने भी जवाबी हमला किया और दरोगा को थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते, दोनों ने एक दूसरे को कई थप्पड़ जड़ दिए। फौजी भारी पड़ने लगा तो दरोगा पीछे हटा और वायरलेस पर इसकी सूचना प्रसारित कर दी। पुलिस चौकी में दरोगा की पिटाई की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने पूरे मामले की जानकारी ली। फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है और दरोगा के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया गया है। सीओसीटी को जांच सौंपी गई है। देर शाम तक मुकदमे की कार्रवाई होती रही है। आप बताएं इसमें किसकी गलती है। चलिए एक बार हम वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, उसके बाद ही आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। पूरा मामला था जो आपने ये मामला यह था कि मैं भीड़ भाड़ कर रहा था, मैं अपने हेड कांस्टेबल के साथ लेकर के क्षेत्र में घूम रहा था। अली बिल्डिंग के पास काफी जाम लगी हुई थी जी। मैं वहां पहुंचा तो वहां पर रोड पे गाड़ी खड़ी थी, मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी थी। मैं अगल बगल तरसवाया कि गाड़ी किसकी है, लोग इसको हटा लें। जब जिसकी गाड़ी थी जो लोग आ गए, कुछ लोग अपनी गाड़ी हटा ली, लेकिन ये तीन मोटरसाइकिलें थी जिसने अपनी गाड़ी को नहीं हटाया। तीनों गाड़ी को मैं अली बिल्डिंग से ठेला पे लगवा कर चौकी में ले आया। बाद में गाड़ी चालक जो ये गाड़ी चला रहे थे, ये आए कहे कि गाड़ी मेरी है, मैंने इसे डॉक्यूमेंट्स मांगा। इन्होंने कोई कागज दिखाने से काफी था और नशा भी किया था, दारू भी पिया हुआ था। गाड़ी को मैंने सीज करके कागज उनको दे दिया। देने के बाद वो चला गया। उसके आधे घंटे बाद आप आए और आने के बाद उन्होंने कहा मैं मिलिट्री में हूँ और आपकी हिम्मत कैसी होगी गाड़ी सीज, क्या बात है। उन्होंने बताया कि गाड़ी रोड पर खड़ी थी, मैंने सीज किया। रोड पर खड़ी करने से आपने गाड़ी सीज कर देंगे, कोई सामान लेने नहीं आएगा। इसी बात को लेकर के बातचीत होते रहे। तड़ से इन्होंने बिना सोचे समझे पर से हमारे पे हाथ चला दिया, ये लगा भी हुआ है। उसके बाद मैंने इसकी सूचना टैंगो को और पुलिस अधीक्षक महोदय को मोबाइल मैंने कॉल किया। कप्तान से बात नहीं, पीआरओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा साहब को बता दीजिएगा और इनको फिर रोक करके मैं रखा और इनको मैं लाया। इनके खिलाफ मैं लिखित तहरीर भी ये दे रहा हूँ। क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है? हाँ, ये लिखित तहरीर में दिया हूँ, जैसा हुआ ये तहरीर में दे दिया उनके खिलाफ। धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है? अब तो जो संबंधित धारा होगा, कार्य सरकार के दौरान इन्होंने बाधा डाला है। एक बार और क्या मामला हो, क्या घटना घटी है सर? बच्चा और मैडम ने जो की मार्केट आया हुआ था, इधर नीचे देख के बोली था। हाँ, जो की बच्चा ने गाड़ी खड़ा करके साइड में खड़ा करके रोड से साइड खड़ी थी गाड़ी। इन्होंने क्या किया जाता है कि उस मोटरसाइकिल को उठा के मोटरसाइकिल के पास गए। मैडम के पास चाबी थी, मैडम से चाबी लेकर के तुरंत थाने में आ गए और गाड़ी मैडम को बताया कि आपकी गाड़ी सीज हो गई है। मैडम ने टेलीफोन किया मुझे कि ऐसी बात है, दरोगा जी लेकर चले गए, गाड़ी सीज हो गई है, आप आ जाइए बात कीजिए। मैं दरोगा जी को रिस्पेक्ट के साथ सर से कहा कि सर मुझे किस कारण से हो गई। तो सर ने बोला रोड पर खड़ी थी। मैं बोला सर रोड पर नहीं खड़ी थी, साइड रोड में खड़ी थी गाड़ी। तो ये बोले कि आपने क्यों गाड़ी रोड पर खड़ी। मैं बोला सर, इन्होंने बोला कि आप गाड़ी का कागज क्यों नहीं दिखाए।
मैं बोला सर जो पुलिस वाले थे उन्होंने चाबी लेकर के आ गए, जो चाबी लेकर आया था सिपाही वो दारू पिया हुआ था और दारू पी करके वो लेकर आया और इस इन दरोगा साहब ने उसको क्या किया कि वहाँ से भगा दिए। भगाने के बाद मैंने रिक्वेस्ट सर से किया कि सर ऐसा है कि ये आप नहीं करना चाहिए इतने महीनों में। नहीं सर, मैं दरोगा जी ने तुरंत इन्होंने बोला कि मैं बोला सर ये बताइए कि जो सिपाही लेकर चाबी आया है तो चाबी तो उसके पास थी तो उसको देख लेना चाहिए कि एक मैडम से एक स्त्री से चाबी ले रहा है तो उसमें डिग्गी में सब कुछ उसका पड़ा है डॉक्यूमेंट तो ले ले या चेक कर ले या उससे मैडम से पूछ ले। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, उस सिपाही को भगा दिया। इसने इन्होंने दरोगा जी ने बोला आप कैसे सिपाही को तुमने बोल सकते हो और तुरंत ऊपर से मेरे के ऊपर दो झापड़ मारा इन्होंने। यही तक बात है। हाँ दरोगा जी ने तुरंत मेरे ऊपर दो झापड़ उठाए सर और उन्होंने झूठा इंजाम दे रहा है कि आप फौजी होकर के मेरे ऊपर झापड़ उठाया। लेकिन सर उन्होंने एक वर्दी के नाते इन्होंने गलत इंजाम जो कि हमारे ऊपर लगाया। आप कहाँ पे हैं? आप फौज में? रांची में से अभी रिटायरमेंट हुआ हूँ सर। इन्होंने एक ग्रीन वर्दी के ऊपर इन्होंने बेतमीजी से कहते हुए मेरे ऊपर जोर जोर से हाथ उठाया इन्होंने।